नेचर ने हमें बहुत सी औषधियों से नवाजा है। अलग अलग सभ्यताओं में बहुत पहले से औषधियों का प्रयोग किया जाता रहा है, लेकिन कालांतर में हम औषधियों को भूलते जा रहे हैं। मैंने पिछले कई वीडियोस में कुछ ऐसी घासें, कुछ ऐसे प्लांट्स आपके साथ शेयर किए हैं जिनका प्रयोग औषधियों के रूप पहले किया जाता था, लेकिन अभी हम उन्हें भूल चुके हैं। इसी सीरीज में मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जो हमारे गार्डन में होते हैं और उनमें औषधीय गुण भी होते हैं जिनका प्रयोग करके हम औषधीय लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने इस टॉपिक पे पहले भी एक वीडियो शेयर किया जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर के आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस लिस्ट में मैंने सबसे पहले नंबर पर जिस प्लांट को रखा हुआ है वो है कैलेंडुला का प्लांट। कैलेंडुला एक विंटर ग्रोइंग प्लांट है। विंटर में ये प्लांट बड़े आराम से आप नर्सरीज में देखने को मिल जाएगा आपको, और लगभग 10 से 25 30 रुपए के बीच में ये प्लांट आपको नर्सरी में मिल जाएगा। इसे आप वहां से लाकर के अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इसको सीड्स के थ्रू भी नवंबर दिसंबर में ग्रो कर सकते हैं। और कैलेंडुला प्लांट्स के अगर बेनिफिट्स की बात करें, मेडिसिनल बेनिफिट्स की बात करें, तो इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कैलेंडुला क्रीम मार्केट में बिकती है एंटी फंगल एंटीसेप्टिक के रूप में, और बहुत सी होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं जिनमें कैलेंडुला का यूज़ किया जाता है, कैलेंडुला के एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया जाता है। कैलेंडुला में एंटी फंगल गुण होते हैं। अगर आपको दांत जैसी समस्या है तो वहाँ पे आप इसकी पत्तियों के रस को लगा करके उससे आराम पा सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको घाव वगैरह हो रखा है तो वहाँ पे भी कैलेंडुला के फूल के रस को आप लगा करके घाव में आराम पा सकते हैं। कैलेंडुला की टी भी बना सकते हैं आप। कैलेंडुला टी बनती है, उसमें आपको एंटी ऑक्सीडेंट्स फ्लेवोनॉइड्स मिल जाएंगे। जो नंबर दो पे मैंने जिस प्लांट को रखा हुआ है वो है क्रिसेंथेमम का प्लांट, यानी कि गुलदाउदी का प्लांट। शायद ये प्लांट आपके फेवरेट प्लांट की लिस्ट में हो, आपके गार्डन में भी पहले से ये प्लांट अवेलेबल हो। बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू इस प्लांट में होती है जो कि मैं बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा बहुत बड़ा कलर रेंज है इसमें और बहुत बल्क में फ्लावरिंग होती है, इसीलिए बहुत से गार्डन्स के फेवरेट प्लांट की लिस्ट में होता है। इसके साथ ही साथ में मेडिसिनल गुण भी बहुत ज़्यादा होते हैं। शायद ये प्लांट आपके गार्डन में पहले से अवेलेबल हो लेकिन आपको इसके जो मेडिसिनल गुण है उसके बारे में ना पता हो, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में बहुत पहले से इसका यूज़ किया जाता रहा है। क्रिसेंथेमम टी बनती है और क्रिसेंथेमम टी का यूज़ जो है बुखार में, कोल्ड में, गले के दर्द में बहुत पहले से चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होता रहा है। आप इसकी चाय को बना सकते हैं। इसकी चाय से जो है बुखार हो रखा हो, आपको दर्द हो रखा हो, या फिर रिफ्रेशमेंट के लिए भी आप इसकी चाय का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज का पेशेंट है, उसके बॉडी में स्वेलिंग वगैरह आ रखी है चोट वगैरह की वजह से, तो वहाँ पे भी आपको क्रिसेंथेमम की टी से जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा। बहुत भीनी भीनी सी खुशबू होती है इसकी। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा है तो इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर जगा दें, क्योंकि नासा के स्टडी में पाया गया है कि ये प्लांट हवा से टॉक्सिक तत्व को खींच लेता है, यानी कि ये एक तरह से एयर प्योरीफायर का काम भी करता है। नंबर तीन पे मैंने जिस प्लांट को रखा है वो बहुत ज़्यादा कॉमन प्लांट है, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में उगाया जाने वाला प्लांट है और लगभग हर गार्डनर्स के गार्डन में आपको पूरे साल ये प्लांट देखने को मिल जाएगा। बहुत आसानी के साथ पूरे साल इस प्लांट को आप उगा सकते हैं। ढेर सारे फ्लावर्स से अपने गार्डन की खूबसूरती तो बढ़ा ही सकते हैं, इसके साथ ही साथ इसमें मेडिसिनल गुण भी हैं। अगर बात करें इसके मेडिसिनल गुड़ की तो गेंदे के पौधे से एंटी फंगल एंटीसेप्टिक एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत से फ़ायदे हमें मिलते हैं। अगर किसी को फंगस वगैरह हो, किसी को चोट वगैरह लग गई हो, तो वहाँ पे भी गेंदे की पंखुड़ियों को मसल के अगर लगाते हैं आप तो चोट में किसी तरह की सेप्टिक वगैरह नहीं होने पाएगी। दाँत खाज खुजली किसी को हो रखी है तो वहाँ पे इनके फूलों के और इनके पत्तों के पेस्ट को बना करके या फिर इनके रस को जो है आप लगा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स है तो कैंसर जैसी ट्यूमर जैसी समस्याओं में भी इनका अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो ऐसी समस्याएं भी कम देखने को मिली हैं। अगर किसी को बुखार वगैरह हो रखी है, ठंड है, कपकपी लग रही है, तो इसकी चाय भी बनाई जा सकती है। किडनी में किसी को स्टोन हो तो इनकी पत्तियों का काढ़ा पीते हैं, तो अगर स्टोन का साइज छोटा है तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिल सकता है। इसके बाद में जिस फ्लावरिंग मेडिसिनल प्लांट की बात करने वाला हूँ वो है फूलों का राजा गुलाब। गुलाब जल लगभग भारत के हर घरों में प्रयोग किया जाता होगा। सर्दियों में इसका प्रयोग बढ़ जाता है, लेकिन एक कड़वा सत्य भी बताऊँगा आपको मैं कि गुलाब जल मार्केट में बिकने वाले ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ब्रांड मैंने देखे हैं जो कि नकली गुलाब जल सिर्फ और सिर्फ पानी और गुलाब जल की महक होती है उसमें,
और कुछ नहीं होता है। तो आप एक बार इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक करें जब भी आप मार्केट से गुलाब जल परचेज करें, या फिर आप गुलाब जल घर पे भी बना सकते हैं। और गुलाब जल के प्रयोग की बात करें तो अगर आपकी आंखों में जलन है तो वहाँ पे रुई के फाये रखे जाते हैं गुलाब जल में भीगे हुए, या फिर स्किन प्रॉब्लम में भी गुलाब जल के पेस्ट का, गुलाब जल का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप गुलाब जल नहीं भी आप मार्केट से परचेज करना चाहते हैं, आप गुलाब की पंखुड़ियों का पेस्ट बना लें स्किन पे लगाने के लिए, आपको स्किन प्रॉब्लम कोई हो रखी है, या फिर आप गुलकंद भी मार्केट में बिकते हैं, गुलकंद आप खुद भी बना सकते हैं और गुलकंद से आपके पेट की जो समस्याएं होती हैं, पाचन संबंधी जो समस्याएं होती हैं, उनमें आराम देखने को मिलता है, क्योंकि इसके बाद जो पेट में जलन वगैरह होती है उससे आराम गुलकंद से देखने को मिला है। इसके साथ ही साथ आप गुलाब की चाय भी बना सकते हैं जिससे आप जो लंग्स वाली प्रॉब्लम होती है, अस्थमा जी समस्याएं होती हैं, उसमें आपको निजात देखने को मिलेगा। इसके बाद में जिस फ्लावरिंग मेडिसिन की बात करने वाला हूँ वो है नैस्टर्टियम का प्लांट। ये प्लांट सर्दियों में ग्रो किया जाना वाला प्लांट है, बहुत बल्क में फ्लावरिंग करता है। और अगर आप ऐसे प्लांट को ढूंढ रहे हैं जो कि बहुत बल्क में फ्लावरिंग करे कम मेहनत से, तो आप नैस्टर्टियम को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, इसके पत्तों में, इसके पटल्स में एक पिपरी सा स्वाद होता है, और बहुत से लोग इसका सलाद में, सलाद बनाते वक्त और सूप बनाते वक्त या फिर खाने को सजाने के लिए इसकी पंखुड़ियों का, इसके पत्तों का प्रयोग करते हैं। और इनमें एक अच्छे टेस्ट और खूबसूरती के साथ ही साथ बहुत सारा विटामिन सी भी होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो अगर आप इनके पत्तों का, इसके फ्लावर्स का यूज़ अपने सलाद में, सूप्स में करते हैं तो आपको ढेर सारा विटामिन सी भी मिलने वाला है। और विटामिन सी से जब इम्यून सिस्टम बढ़ेगा तो आपको कफ वाली जो प्रॉब्लम होती है, गले में दर्द वाली जो प्रॉब्लम होती है, वो सब में भी आराम मिलेगा। इसके साथ ही साथ बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन भी ये प्लांट रोकता है। अगर आपके कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा है तब भी आप इस प्लांट के पत्तियों और पंखुड़ियों का प्रयोग करके फ़ायदा ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैग्नीशियम, आयरन, फ्लेवोनाइड्स जैसी बेसिक चीज़ें, बीटा कैरोटीन जैसी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसके प्रयोग से आप वो सब भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो पांच फ्लावरिंग प्लांट थे जिनके मेडिसिनल गुण भी हैं और इन्हें अपने गार्डन में खूबसूरती ऐड करने के लिए तो ग्रो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इनसे मेडिसिनल बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। कोई भी सवाल सुझाव है आपका वीडियो से जुड़ा हुआ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।